आज हम आपको रिव्यू करके बता रहे हैं अमेरिकन ट्रूस्टर के ट्राईगार्ड मॉडल का। ये जो ट्राईगार्ड मॉडल है ये सबसे प्रीमियम मॉडल है अमेरिकन ट्रूस्टर का, सबसे महंगा मॉडल है जो कंपनी ने अभी फ़िलहाल रिसेंट में इंडिया में जो लॉन्च कर रखा है। तो इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इसमें खासियत है, हम आपको इसकी पूरी रिव्यू हम लोग करके बताते हैं। तो इसकी इस टाइप की कुछ पैकिंग आती है, देखिए आप इसमें जो नॉर्मली अदर ब्रांड्स में और अदर मॉडल्स में जो पैकिंग आती है पॉलीथीन की, वो पैकिंग आपको नहीं मिलती है। इसमें इस टाइप की कुछ ये नॉन वोवन टाइप का पतला सा थिन मटेरियल मिलता है जो आप यूज़ करने का इसको पहना के रख सकते हैं, जिससे इसमें डस्ट वस्ट नहीं लगे। तो इस टाइप की कंपनी इसको थोड़ी प्रीमियम फील आने के लिए इसमें इस टाइप की सी पैकिंग देते हैं। तो हम आपको इसका पूरा अनबॉक्सिंग करके बताते हैं। ओपन कर इसको, ये आप इसका डिज़ाइन देखिए, ये देखिए आप इसका डिज़ाइन घुमा के बता इसको पूरा, हम आपको 360 डिग्री व्यू बता देते हैं किस टाइप का है ये। तो डिज़ाइन में ये काफ़ी अच्छा है, वैसे मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से कंपनी ने इसमें फील दे रखा है। इसी टाइप का इसका बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपने डिज़ाइन जैसे आप देख ही लिया होगा, थोड़ा सा क्रॉस मॉडल से मिलता जुलता डिज़ाइन है इसका, सिर्फ डिज़ाइन ही मिलता, बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल अलग ही लेवल की है। जो इसमें फीचर्स है अलग ही टाइप के इसमें फीचर्स दे रखे हैं, और भी जो खासियत है अभी हम आपको इसमें पूरा बताएंगे। तो इसका मोनो देखिए, ये थोड़ा मोनोक्रोमिक इसमें मोनो मिलता है आपको मेटल फिनिश में। यहाँ देखिए आपको थोड़ी सी यहाँ मेटल सिल्वर फिनिश आपको मिलती है, और ये थोड़ा सा मेटलिक फिनिश में अमेरिकन ट्रूस्टर बड़े साइज़ का यहाँ पर आपको मोनो देखने को मिलता है, जो अच्छा सा परफेक्टली डिज़ाइन के बीच में फिट करा हुआ है। तो डिज़ाइनिंग इसका नो डाउट काफ़ी अच्छा दे रखा है, और इसके हम बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको पहले बताते हैं। तो पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल का बना हुआ है। पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल जनरली अभी तक हमने आपको जितना दिखाया था वो फ्लेक्सिबल बॉडी होती थी, काफ़ी लाइट वेटेड होता था, पर कंपनी ने यहाँ पॉलीप्रोपिलीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसमें बहुत मोटे गेज का पॉलीप्रोपिलीन यूज़ करा है, बहुत वेटेड पॉलीप्रोपिलीन यूज़ करा है, और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। अब फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उन सब में जिप क्लोजर होता था, उनमें जिप कंपार्टमेंट होता था, मतलब चेन होती थी, इसमें चेन नहीं है। आप देखिए यहाँ पर आपको चेन इसमें मिलेगी ही नहीं। ये जो ट्रॉली बैग है डायरेक्ट लॉक से ओपन होता है और लॉक से ही बंद होता है, इसमें ट्रिपल लॉकिंग सिस्टम होता है, और ये पूरा फ्रेम के ऊपर बना हुआ होता है ये देखिए आप। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी बिल्ड क्वालिटी अनडाउटेबल है, बहुत अनमैच्ड है, मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो ये पूरा ट्रिपल लॉकिंग सिस्टम पे चलता है, यहाँ पर एक लॉक आता है, यहाँ पर एक लॉक है, और एक नीचे की तरफ लॉक आता है, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे किस तरीके से इसके लॉक काम करते हैं, क्या क्या उनमें फीचर्स होता है। तो ये काफ़ी हार्ड है, मतलब आप इवन इसके ऊपर अगर बैठ भी जाएंगे ना तो ये नीचे की तरफ थोड़ी सी बैंड नहीं होगी, इस पर आप मतलब बैठ भी सकते हैं, इतनी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी इसमें दे रखी है। मोटा गेज का पॉलीप्रोपिलीन इसमें यूज़ होता है, तो ब्रेक होने के इसके चांस तो बहुत ना के बराबर है। हमने काफ़ी पहले भी ये ट्राईगार्ड मॉडल बेच रखा है, इसमें तो कंप्लेंट वैसे अभी तक तो किसी मॉडल में नहीं आई है। तो बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट बहुत अच्छा इसका मटेरियल है। हम आपको इसके हैंडल्स के बारे में बताते हैं। वो आप इसके हैंडल्स देखिए, ये हैंडल्स थोड़े से अंदर डेप्थ में दे रखे हैं, जैसे बाकी सबके हैंडल्स ऊपर निकले हुए होते हैं ना, तो कंपनी ने इसमें रिवर्स टेक्नोलॉजी लगा रखी, इसमें हैंडल को अंदर की तरफ डाल दिया। ये यहाँ पर देखिए आपको इतने दो इंच की डेप्थ मिलती है, ये पूरा इतना डेप्थ दे रखी है, और यहाँ पर इस हैंडल को ग्रिप करने के लिए आपको पूरी स्पेस मिलती है। देखिए आप इजीली मतलब यहाँ पर इसे ग्रिप कर सकते हैं, इसको इजीली ऊपर पकड़ने का सिस्टम ही नहीं है, इसमें पूरा ट्रॉली के अंदर ही रहेगा। मतलब जैसे अगर आप इसको यहाँ ऊपर से देखेंगे ये, तो आपको हैंडल वैंडल कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें। देखिए आप बिल्कुल सब इस ट्रॉली के अंदर फिट है, यहाँ साइड से भी आप देखेंगे तो आपको साइड का हैंडल भी नज़र नहीं आएगा, वो भी बिल्कुल अंदर उसमें फिट हो जाता है उसकी डेप्थ में। ये देखिए आप, तो हैंडल की क्वालिटी के बारे में आप बात करें तो काफ़ी स्टर्डी ये हैंडल है, काफ़ी हार्ड मटेरियल में अच्छा दिया हुआ, नीचे से ग्रिप अच्छी सॉफ्ट है, मतलब थोड़ी सी नीचे रबर नहीं लगा हुआ है, प्लास्टिक मटेरियल का ही हैंडल है, बाकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आपको उसको ग्रिप करने में बहुत अच्छा लगेगा। ये स्प्रिंग हैंडल नहीं जैसे बाकी सब ट्रॉलीज में होते हैं कि जो अंदर बाहर जाए, ये जहाँ जहाँ फिट है बिल्कुल वैसा का वैसा ही फिट रहेगा। यहाँ पर आपको अमेरिकन ट्रूस्टर की अच्छी सी बैजिंग मिल जाती है बिल्कुल बड़ी सी। अब हम आपको उसका ट्रॉली का पार्ट बता देते हैं। ये जो ट्रॉली का पार्ट है, यहाँ पर आपको बटन में अमेरिकन ट्रूस्टर की बैजिंग मिल जाएगी, और ग्रीन कलर का कंपनी ने पूरे ट्रॉली बैग में कॉम्बिनेशन दे रखा है, जैसे सी ब्लू कलर का मेन इसका स्ट्रक्चर है, तो आपको छोटी छोटी जगह पर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए कंपनी ने ग्रीन नहीं, इसको येलो कलर हम बोलेंगे, एक्चुअली येलोइश कलर है, तो आपको यहाँ पर येलो कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। यहाँ पर रिप में भी दे रखा है, यहाँ हैंडल में भी और ट्रॉली के बटन में भी। अब हम आप उसके ट्रॉली के बारे में बताते हैं, जो मेटेलिक पार्ट होता है और जो प्लास्टिक पार्ट होता है। तो इसमें जो प्लास्टिक जो यूज़ करा हुआ है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत स्मूथ इसका फिनिश है, मतलब रफ़ इसमें आपको फिनिश नहीं मिलेगा,
बहुत स्मूथ यहाँ पर आपको फिनिश दे रखा है, बटन बहुत परफेक्टली इसका काम करता है, बहुत स्मूथ ये चलता है। इसका जो मूवमेंट है ना ये बहुत स्मूथ है। अभी तक हमने जितनी ट्रॉली ये चलाई है, जितना हम आपको बताते हैं, उन सब में आप यूँ मान सकते हैं कि इसका जो ये मूवमेंट है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। उन सब में सबसे अच्छा स्मूथ मूवमेंट इसी ट्रॉली का है। यहाँ पर आपको मेटेलिक क्रॉट्स आती है पूरी, इसमें भी आपको जो फिनिश आपको मिलेगी बहुत अच्छी करी हुई मिलेगी। ये जो फिनिश है ना इसकी बहुत अच्छी करी हुई है, आपको रफ इसमें सरफेस देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल परफेक्टली इसमें स्मूथनेस आपको मिलती है। और यहाँ पर भी अमेरिकन डूस्टर की आपको बैजिंग मिल जाएगी। जब आप इसको पीछे से देखेंगे तो ये जो ट्रॉली की रोड से आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगी, इसका जो ट्रॉली का पार्ट है पीछे से भी विजिबल होता है। बाकी सब में तो इनबिल्ट फिटिंग ट्रॉली होती है। कंपनी ने थोड़ा इसको कॉन्ट्रास्ट में मिलाने के लिए यहाँ पर इसकी जो दो रॉड्स हैं, रॉड्स पूरी नहीं होती, इनके पीछे का एक कवर होता है, सिल्वर फिनिश में है ये पूरा, तो ये पीछे से दिखता है। ये डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ा सा इसको बाहर आउटर की तरफ फिट कर रखा है, और जो अंदर से आपको स्पेस इसमें और मिल जाए तो उस हिसाब से इसको थोड़ा सा आउटर की तरफ फिट कर रखा है। यहाँ पर आपको एक आईडी टैग भी मिल जाता है कंपनी की तरफ, जो भी पूरा इसमें बैजिंग आपको मिलती है, यहाँ पर एक आईडी टैग दे रखा है। आप नाम पता नंबर आपको लिख सकते हैं, इसको पकड़ इसको एक मिनट, ये इस तरीके से बाहर आ जाता है। ये देखिए आप यहाँ आपका नाम पता फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, ये आईडी टैग यहाँ पर आपको दे रखा है। अब इसमें लॉक्स किस टाइप से काम करते हैं और अंदर से इसका फीचर्स कैसा है आपको वो आपको पूरा बता देते हैं। ऊपर रख इसको, तो बाकी सब ट्रॉली बैग्स में तो यहाँ जिप होती है, तो हम आपको जिप के बारे में बताते हैं, पर इसमें जिप दे ही नहीं रखा है। तो ये इसका मोस्ट आइकॉनिक फीचर है, ये इससे इसकी सेफ्टी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। जैसे जो ट्रॉली बैग्स आजकल चेन वाले आते हैं अधिकतर तो वही होते हैं, ये तो बहुत प्रीमियम लगेज है तो इसमें दे रखा है इसकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से। तो वो क्या होता है, पेंसिल डाल के या चक्कू से कोई भी खोल लेता है उसको, ऐसे कभी कभार सुनने में आता है कि खोल के कोई सामान निकाल लेता है, पर इसको खोलना इतना ईजी नहीं है। इसमें यहाँ पर तो आपको एक नंबर लॉकिंग सिस्टम TSA वाला मिलता है, ये इसका मेन लॉकिंग है, और यहाँ पर दो लॉक और मिलते हैं इसके पूरे ये बॉडी स्ट्रक्चर को लॉक करने के लिए। तो पूरा लॉकिंग सिस्टम पे काम करता है, तो इसको खोलना इतना आसान नहीं है। कोई इसमें चक्कू डाल के या कोई डाल के इसको पेन डाल के कोई इसको खोल ही नहीं सकता है, सिर्फ जिसको ये नंबर याद होंगे वो इसको ज़रूर खोल सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा लॉक होता है, ये इसका मेन लॉक नहीं है, ये इसके इसको कंपार्टमेंट को पैक करने के लिए एक लॉक दे रखा है, और इस लॉक का एक लॉक और दे रखा है। ये देखिए आप, मतलब पहले तो ये जो लॉक रहेगा इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर ये इसे ओपन हो जाएगा, पर ये लॉक गलती से कभी ओपन नहीं हो जाए, किसी के द्वारा कहीं फंस के ये ओपन नहीं हो जाए, तो इस लॉक को लॉक करने के लिए फिर एक और ये लॉक दिया हुआ था। अब इसको जब आप लॉक कर देंगे तो ये ओपन नहीं होगा। अब हम आपसे इसके मेन लॉक के बारे में बताते हैं, ये इसका मेन लॉक है, ये देखिए आप, ये बड़ा सा इसका लॉक आता है विद, यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम मिलता है, यहाँ पर आप आपके हिसाब से नंबर भी सेट कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। TSA लॉक दे रखा है, ये YIF का TSA लॉक है, सबसे प्रीमियम लॉक आते हैं YIF के, ये अलग ही इसकी खासियत होती है YIF की, सबसे महंगे भी इसके लॉक आते हैं जो TSA लॉक बनाती कंपनी है। तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर लॉक दे रखा है, और काफ़ी अच्छा ये बड़ा लॉक का पार्ट है जो इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पर बटन होता है, इसको आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और लॉक करने के लिए आप इसको यूँ प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। थोड़ा सा टाइटनेस है इसको लॉक करने में, पर अच्छा है वो, उससे कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि। तो लॉक करने के लिए आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। इसमें नंबर चेंज करने के लिए यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ होता है, जैसे कभी आपको इसका अगर नंबर चेंज करना हो तो यहाँ पर बटन दिया हुआ होता है अंदर, ये दिख रहा है आपको छोटा सा बटन ऑन और ऑफ़ का, इसको अगर आप ऑन या ऑफ़ करते हैं, इसका तो हम आपको अलग एक वीडियो बना के बताएंगे किस तरीके से ये होता है। तो यहाँ से आप इसका नंबर चेंज कर सकते हैं ऑन या ऑफ़ करके, वो पूरा एक सिस्टम इसकी प्रोसेस होती है, वो आपको अलग वीडियो में बता देंगे। तो आप नंबर भी आपके हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका एक लॉक, ये इस तरीके से लॉक हो जाता है। अब ऐसा कि ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी आपको लॉक इसमें दिया हुआ मिलता है, ये देखिए, और इसमें भी ऐसा ही फिर लॉक का भी लॉक दिया हुआ है जो इजीली मतलब ओपन ना हो जाए, इससे ये पूरा ट्रॉली बैग अब लॉक हो जाता है। ये लॉक करके अगर आप इस बटन को भी लॉक कर देंगे तो अब ये खुलेगा नहीं। अब हम आपको उसके हैंडल के बारे में बताते हैं, ये जो इसका साइड हैंडल है, ये देखिए ये भी पूरा अंदर फिटिंग हो जाता है, इसमें बाहर से कुछ भी आपको पार्ट इसमें दिखेगा ही नहीं, जो भी है इसके सब स्ट्रक्चर के अंदर ही फिट करा हुआ है। अब इसका हैंडल जो है ना, इसका एक तो फिनिश बहुत अच्छा है, ये मतलब जो इसका प्लास्टिक का ये पार्ट है बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है, और जब आप इसको यहाँ से छोड़ते हैं ना तो एक पर्टिकुलर स्पीड में ही हमेशा ये नीचे जाएगा। देखिए आप, ऐसा लगता है जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इसमें लगा रखा हो उससे ये नीचे की तरफ जाता हो। ये देखिए आप, बिल्कुल एक स्पीड में ही नीचे जाएगा, इतना बढ़िया लगता है ये जब आप देखेंगे आपके सामने, पर्टिकुलर स्पीड पे नीचे जाता है। यहाँ से कैरी करने में इसको बहुत अच्छा दे रखा है, बिल्ड क्वालिटी हैंडल की बहुत अच्छी है ये। तो अब हम आपको इसके अंदर से इंटीरियर के बारे में बता देते हैं कि इंटीरियर इसका किस टाइप का है।
बिल्ड क्वालिटी नो डाउट इसकी बहुत अच्छी है, काफ़ी ड्यूरेबल बैग है ये। इस तरीके से यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, ये देखिए लॉक हो गया, अभी ओपन हो गया। तो हम आपको अब इसका ओपन करके अंदर से बता देते हैं किस टाइप के इसमें फीचर्स दे रखे। तो स्पेस आपको अंदर से इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है ये दो कंपार्टमेंट में 50-50, उधर भी आपको कंपार्टमेंट मिलेगा और इस तरफ भी कंपार्टमेंट मिलेगा। इसकी जो डेप्थ है ये काफ़ी अच्छी, ज़्यादा डेप्थ दे रखी बाकी जो कंपेरेटिवली अदर जो मॉडल्स है 67-69 सेंटीमीटर में, ये हम मीडियम साइज़ का ही हम रिव्यू आपको करके बता रहे हैं, तो कंपेरेटिवली उनसे इसकी डेप्थ काफ़ी अच्छी दे रखी है। यहाँ पर भी कंपनी ने कलर मैचिंग का अच्छा खासा ध्यान रख रखा है। ये जहाँ पर बाहर आपको येलो बॉर्डर्स मिल रही थी, कॉन्ट्रास्ट में पार्ट्स मिल रहे थे, वो का वही येलो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ अंदर भी देखने को मिलेगा। यहाँ इलास्टिक बेल्ट में भी आपको येलो का कॉम्बिनेशन मिलेगा, बेल्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर बक्कल में भी आपको अमेरिकन रूस्टर की बैजिंग मिलती है, ये देखिए आप, यहाँ पर भी कंपनी ने अपना नाम लिख रखा है। इनर जो फैब्रिक है ये जो नॉर्मल ट्रॉली बैग्स में आता है, इसके अदर मॉडल्स में वैसे उस टाइप का ही फैब्रिक दे रखा है लाइनिंग का। यहाँ पर आपको अमेरिकन रूस्टर की बैजिंग जरूर देखने को मिल जाती है, विद बैजिंग है ये फैब्रिक। यहाँ पर एक पॉकेट आपको मिलती है इस टाइप की छोटी, कुछ आपका ज्वेलरी रखने के लिए, कुछ भी छोटा मोटा सामान रखने के लिए पॉकेट आपको ये दे रखी है, ये देखिए इतनी बड़ी पॉकेट होती है इसकी। और अभी इनकी अंदर जो जिप दे रखी है, ये जिप क्वालिटी कंपनी ने यहाँ बहुत अच्छी दे रखी है, मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा जब हम इनको हाथ में लेंगे। मेटेलिक पुलर है, यहाँ पर भी आपको कंपनी के नाम देखने को मिलेंगे और अच्छे भारी ये पुलर दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर के जिप है तो उनको हल्की क्वालिटी का डाल दें, कुछ भी डाल दें, ऐसा नहीं करा है कंपनी ने, पुलर्स अंदर के भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। यहाँ पर आपको एक कंपार्टमेंट और देखने को मिलता है, यहाँ पर एक नेट कंपार्टमेंट आएगा आपको कुछ एसेसरीज या वैनिटी सामान रखने के लिए, यहाँ पर एक पॉकेट दे रखी है, ये पूरी एक पॉकेट रहेगी। फिर आता है इसका इस तरफ का कंपार्टमेंट और यहाँ पर आपको डबल पुलर देखने को मिलते हैं, और पुलर वही है जो हमने आपको अभी नीचे वाली पॉकेट में बताए थे। अच्छे मेटेलिक पुलर हैं, काफ़ी अच्छे वेटेड हैं, ये इजी टू ग्रिप हैं, हाथ में अच्छे से ग्रिप आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अंदर एक कंपार्टमेंट मिलता है इस तरफ पूरा, बड़ा अच्छा कंपार्टमेंट है। और यहाँ पर भी फिर आपको बेल्ट दे रखे हैं, ये कपड़े जिससे बिखरे नहीं, इस तरफ भी आपको बेल्ट फैसिलिटी मिल जाती है। फिर इधर से लॉक हो जाता है, इसमें एक वेट क्लॉथ कंपार्टमेंट आपको नहीं मिलता है अलग से, कुछ वैनिटी पाउच कंपनी ने एक्स्ट्रा नहीं दे रखा है, कवर नहीं दे रखा है, शू कंपार्टमेंट नहीं दे रखा है, कुछ चीज़ इसमें मिसिंग है और कुछ चीज़ इसकी खासियत है। तो ये देख लीजिए अंदर से इस टाइप का है ये पूरा। यहाँ पर भी आपको अमेरिकन रूस्टर की प्रॉपर यहाँ पर आपको बैजिंग इसमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इसका स्पेस होता है। अब हम उसके इसके कलर के वाले बारे में और इसके प्राइस के बारे में बताते हैं, और उसके पहले आपको व्हील्स के बारे में बताते हैं, इसमें व्हील्स किस टाइप के आते हैं। इसमें आपको 8 व्हील फीचर मिलता है, ये देखिए आप 8 व्हील्स इसमें आएंगे, और व्हील्स की क्वालिटी एक नॉर्मल क्वालिटी टाइप इसके व्हील्स है, पर हाँ इसमें आपको बैजिंग मिल जाती है अमेरिकन रूस्टर की, यहाँ पर देखिए, और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, मतलब कॉम्बिनेशन कंपनी ने यहाँ व्हील्स में भी दे रखा है। साउंड थोड़ा कम करते हैं व्हील्स कंपेरेटिवली अदर जो मॉडल है उनके मुकाबले, इनका साउंड नहीं आता, तो ये अच्छी बात है, थोड़ा सा साउंड प्रूफ व्हील है, एकदम साउंड नहीं करेंगे ऐसा हम नहीं कहते हैं, कंपेरेटिवली अदर मॉडल से इनका थोड़ा साउंड कम है। व्हील्स की क्वालिटी बहुत अच्छी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी, पर थोड़ा एक नॉर्मल टाइप के छोटे साइज के व्हील है। अब इसमें व्हील्स में देखो एक और खासियत अलग बात होती है, व्हील्स थोड़े से इसके अंदर फिटेड है, बाकी सब जो मॉडल्स होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट होता है उसके नीचे की तरफ फिट होते हैं, पर यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा इनको अंदर फिटिंग कर रखा है, ये देखिए आप, ये हाइट को एडजस्ट करने के हिसाब से, मतलब ये व्हील्स थोड़े से इसमें अंदर फिटेड आते हैं, वो कोई मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, एक नॉर्मल उस बात है, ये तो एक नॉर्मल क्वालिटी के आपको इसमें व्हील्स मिल जाते हैं। अब हम आपको इसके प्राइस के बारे में बताते हैं और कलर के बारे में बताते हैं, एक बार आप और इसका डिज़ाइन देख लीजिए। और ये जो इसमें ग्रिप लगी होती है ना, ये हमने आपको अंदर से नहीं बताया, इस ये इसलिए होती है ताकि इसमें अंदर से पानी भी नहीं जाए, जैसे आप कोई बारिश में ट्रेवल कर रहे हैं तो इस पर पानी जाने का कहीं चांस ही नहीं, जैसे जो चेन वाले ट्रॉली बैग होते हैं अगर आप बहुत तेज़ हेवी रेनफॉल में ट्रैवल करते हैं तो जिप के थ्रू पानी अंदर जा सकता है, पर इसमें जिप कहीं दे ही नहीं रखी है, तो इसमें पानी बहुत कम चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है कि कहीं से अंदर पानी जा सकता है। तो पानी से बचाने के लिए इसमें यहाँ पर एक ये भी दे रखा है, रिप दे रखी है, जिससे पानी भी अंदर नहीं जाता है, जैसे अपने टिफिन्स में होता है ना उस टाइप का यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम इसमें दे रखा है पानी से इसको बचाने के लिए। अब इसमें कलर्स जो हैं देखिए, एक तो सी ब्लू आता है जिसका अभी हमने रिव्यू करके बताया है, और एक ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर में भी आपको येलो कलर का ही कॉम्बिनेशन मिलता है, और प्योर ब्लैक कलर है ये विथ येलो कलर कॉम्बिनेशन, और एक ये सी ब्लू कलर है। तो ये दो कलर अभी इसमें रिसेंटली अवेलेबल हैं। अब हम आपको इसके प्राइस के बारे में बताते हैं, प्राइस में कंपनी ने इसमें बहुत अच्छा कर रखा है कि डिस्काउंट का ज़्यादा वो नहीं रख रखा है,
बहुत ट्रांसपेरेंसी रख रखी है इसके प्राइस में। जैसे आप नॉर्मल जो मॉडल्स होते हैं उस पर देखते हैं 50% ऑफ होता है, 60% ऑफ होता है, तो कंपनी ने इसमें ऐसा नहीं कर रखा है। और वो इसलिए भी कर रखा होगा जहाँ तक हम जानते हैं, क्योंकि जो इस मॉडल को लेगा, जो इसका क्लास इस मॉडल का, जो इसको खरीदेगा, वो डिस्काउंट के पीछे देख के इसको खरीदेगा भी नहीं, वो इसकी वर्थ देख के खरीदेगा, वो इसकी प्रीमियमनेस देख के खरीदेगा। वो जाते से ये नहीं देखा कि इस पर 60% ऑफ है या 50% ऑफ है, नहीं, इस पर कंपनी ने रख रखा है सिर्फ 15% ऑफ, 15% ऑफ में ये बिकता है। इस पर MRP आती है 10,600 और 15% ऑफ हो गई आपको पड़ता है मीडियम साइज 67 सेंटीमीटर 9,010 रुपीस का। तो कंपनी ने इसमें प्राइस की बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी रख रखी है, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जो MRP ज़्यादा होती है तो उन ट्रॉली बैग की उतनी वर्थ नहीं होती, पर इसकी एक्चुअल इतनी वर्थ है और उस पर कंपनी ने एक्चुअल बहुत सही इसमें डिस्काउंट दे रखा है। तो ये बहुत सुपर प्रोडक्ट है इस प्राइस में। अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली आपको, अगर आपका ये बजट है तो आपको इस प्राइस में जाना चाहिए। अब एक बात हम आपको इसकी और बताते हैं, ये लाइट वेटेड मॉडल नहीं है। जैसे ये एयरकॉनिक इसका मॉडल था, ये इसके बाद वैसे यही मॉडल आता है इसके नीचे प्राइस सेगमेंट में, तो ये काफ़ी लाइट वेटेड होता है जो फ्लाइट्स में काम आता है, पर ये एक्चुअली लाइट वेटेड नहीं है। फ्लाइट्स में ज़रूर ये काम आता है, जो कस्टमर्स को खरीदते हैं फ्लाइट के लिए खरीदते हैं, पर ये आपके उस लगेज में जाएगा जहाँ पर आपको ज़्यादा कैपेसिटी का अप्रूव्ड हो। तो इसका वेट कंपैरेटिवली एयरकॉनिक मॉडल से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी वैसे थोड़ी सी हेवी दे रखी है। तो ये एकदम लाइट वेटेड प्रोडक्ट नहीं है, इसका वेट कंपैरेटिवली दूसरे मॉडल जो हैं इसके एयरकॉनिक या जो दूसरे लाइट वेटेड सुपर लाइट वेटेड मॉडल आते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, तो वैसा लाइट वेटेड मॉडल नहीं है, थोड़ा सा बल्की मॉडल है, थोड़ा सा अच्छा हेवी वेटेड मॉडल है। तो आप ये बात जरूर इसमें ध्यान रख सकते हैं, बाकी अनडाउटेबली इसकी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, लुकिंग इसका बहुत अच्छा, आप कहीं भी लेके जाएंगे तो जो दूसरे लोगों के पास ट्रॉली बैग होती है डेफिनेटली आपको ये उससे अलग ही फील देगी, आपको यूज़ करने में इसको अलग ही लगेगा, आपको हाँ लगेगा कि आपने जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करा है, जो आपने चीज़ खरीदी है उसकी डेफिनेटली उसकी वर्थ है। तो अगर आपका बजट हो 9,000 का मीडियम साइज़ लेने के लिए, तो डेफिनेटली आपको इस वाले प्रोडक्ट में जाना चाहिए। और आपको अमेरिकन रूस्टर का एक ब्रांड नेम भी इसके साथ मिलता है, तो नो डाउट ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। वैल्यू फॉर मनी तो हम एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक तो डेफिनेटली नहीं। 9,000 तो आजकल मतलब लगेज इंडस्ट्री में मीडियम साइज़ के लिए एक बहुत प्रीमियम रेंज हो जाती है। इसके बाद सीधे सैमसोनाइट के मॉडल स्टार्ट हो जाते हैं। अमेरिकन रूस्टर का तो रिसेंटली अभी जो इंडिया में लॉन्च हुआ सबसे प्रीमियम मॉडल है, इसके बाद अब सैमसोनाइट के मॉडल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर आपको एक प्रोडक्ट एक लेना हो, जैसे 3-पीस सेट भी कभी आपको अगर नहीं लेना हो, एक प्रोडक्ट लेना हो, तो डेफिनेटली आपको 9,000 के रेंज में पीस आपको लेना चाहिए। इसमें आपको सिक्योरिटी सिस्टम भी काफ़ी अच्छा मिलता है, जिप क्लोजर इसमें नहीं है, तो आपको ये सिक्योर भी काफ़ी अच्छी हो जाती है ट्रेवल में, जर्नी में, कहीं आप शादी में जाते हैं तो इसको कोई इजीली खोल भी नहीं सकता है। और लुकिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है इसमें, और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं।